والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. तमाम तारीफें उस ज़ात बाबरकत के लिए जो हमारी दुआओं का सुनने वाला है, हमारी मुरादों का पूरा करने वाला है, हमारे मसाइल को, मशाकिल को, मसाइल को दूर करने वाला और हल करने वाला है। लाखों दरूद व सलाम मेरे और आपके आका सैयदुल अंबिया व रसूल खातमुन नबियीन रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें अल्लाह से मांगने के वो आदाब सिखाए जो शायद इंसानी तारीख में किसी बाप ने किसी बेटे को सिखाया। माज़ा सामीन, सबसे बड़ी खुशी यह है कि अल्लाह ने हमें सिर्फ उससे मांगने वाला है। कितने लोग हैं जो हमसे ज्यादा सेहतमंद है, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे ज्यादा दौलतमंद है, ओहदा व मर्तबा के हिसाब से हमसे ऊंचे मरातिब पर फाइज है, लेकिन वो अल्लाह सुभान व तआला के दरबार के फकीर हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम अल्लाह सुभान व तआला के दरबार के फकीर हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल करते हैं। वइदा सअलत फसअलिल्लाह, बेटे अगर तुम्हें कोई भी चीज मांगनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला से मांगो। वइदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, बेटे मेरी इस बात को भी घाटी बांध के रख लेना, जिंदगी के किसी भी मरहले में मदद की जरूरत तुम पड़े, कोई भी मदद करने वाला, हेल्प करने वाला ना हो तब भी अल्लाह से मदद।
और अल्लाह सुभानहू व तआला की जात ऐसी है, अब मैं जी को नहीं पाया दा हु एक्सपोस, परेशान हाल इंसान जितनी परेशानी के साथ, जितने तड़प के साथ, जितने लगन के साथ अल्लाह सुभानहू व तआला से सवाल करता है, अपनी जरूरत अल्लाह सुभानहू व तआला के सामने जितनी मजबूरी के साथ इंसान रखता है अल्लाह सुभानहू व तआला से, उतने ही जल्दी जो है उसके मसाइल को हल करते, उसके मुश्किलात को अल्लाह सुभानहू व तआला दूर करते। और अल्लाह सुभानहू व तआला के अलावा दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो हमारी सुनने वाला हो और हमारी मुरादे पूरी करने वाला हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभानहू व तआला की तरफ। तो बात समझ में आ गया कि हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह सुभानहू व तआला ने हमें उन लोगों में से बनाया जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभानहू व तआला से मांगते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी सीरत इन दिनों हम सुनते आ रहे हैं, काबे की तामीर कर रहे हैं बेटे के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, और तामीर करते हुए अल्लाह सुभानहु व तआला से दुआ किए जा रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस सम्मीउल। हम कितने ईमानदार हैं, कितने इल्म वाले हैं और कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कितनी इबादतें बजा ला रहे हैं, कितने सदका व खैरात कर रहे हैं, ये अहम नहीं है। अहम क्या है? रब्बना तक़ब्बल, इन इबादतों को, इन सदकात को, इन खैरात को, इन नेक कामों को अल्लाह सुभानहू व तआला कबूल करे, तब हम फख्र कर सकते हैं। और अल्लाह सुभानहू व तआला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, हर किसी से अल्लाह सुभानहू व तआला कोई चीज कबूल नहीं करते, उनसे कबूल करते हैं जो तक्वा परहेजगार है, जो मुत्तकी और परहेजगार। और लिबास तक्वा सबसे बेहतरीन लिबास है, चाहे आप कैसा भी लिबास जेब तन किए हो, शरीयत के हुदूद में रहते हुए, लेकिन सबसे बेहतरीन लिबास क्या है? तक्वे का लिबास है। सबसे बेहतरीन तोशा क्या है? तक्वे का। इन खैर ज़ाद तक्वा। तो महज़ सामीन, आज हम जिस मौजू के तालुक से बात करने वाले हैं वो है हम सब की तमन्ना, दुआ कबूल हो हमारी, यही दुआ है। इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद कोई शक हो सकता है कि अल्लाह काम को कबूल नहीं करेंगे, और करने वाले कौन है? वो अंबिया है, और साथ देने वाले कौन है? इब्न नबी है, ये भी नबी है, वो भी नबी है, और काम अल्लाह के घर का कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह सुभानहू व तआला के हुजूर हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं कि हम हमारा फरीजा तो अदा कर रहे हैं, अल्लाह हमारे इस काम को कबूल फरमाओ। नाज़ हमें अल्लाह सुभानहू व तआला से हर हमेशा, हर लम्हा, हर पल ये दुआ करते रहना है कि अल्लाह सुभानहू व तआला हमारे नेक आमाल को कबूल करे। जहां हम खुद अपने लिए दुआ करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें बताती है कि हम अपने बच्चों के लिए भी दुआ करें। जहां हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें बताती है हमारे बच्चों के बाद जो पीढ़ियां आने वाली है उन सारी पीढ़ियों के लिए हम दुआ करें। मालूम नहीं कि आने वाला जमाना कितना पुरफितन होगा, आदमी सुबह करेगा मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाए, शाम करेगा मुसलमान होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाए, मौसलादार भारी बारिश की तरह
फितने इंसानों पर टूट पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें महफूज रखा, हमारा ईमान महफूज है, हमारा इस्लाम महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इज्जत माल हर चीज महफूज है अल्लाह सुभान व तआला की मेहरबानी। चुनांचे बाद की जो नस्लें हैं उनके लिए भी हमें दुआ अल्लाह सुभान व तआला से करना चाहिए और हमारी दुआओं में ये यकीन हो कि दुनिया के सारे खजाने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला के हाथ, किसी और के हाथ। लहू मकालीद السماوات والارض, जमीन और आसमानों के चाबियां किसके पास हैं? अल्लाह सुभान व तआला के। अल्लाह सुभान व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो तुम इतने ताकतवर नहीं बन गए हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। हो सकता है तुमने इस फील्ड में तरक्की कर ली हो, उस फील्ड में तरक्की कर ली हो, ये चीज बना ली हो, वो चीज बना ली हो, कुछ भी कर ली, तुम अपनी जगह सुपर पावर हो सकते हो, लेकिन जुल कुव्वतिल मतीन कौन है? अल्लाह सुभान। तुम इतने ताकतवर नहीं बने कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सको, और ऐ मेरे बंदो तुम इतने मालदार भी नहीं बन सके कि मुझे कोई भलाई, मेरी भलाई चाह। हम सब जिस हालत में भी रहते हैं, फकीर हो, गरीबी हो, अमीरी हो, किसी मुल्क के हम बादशाह हो, हुक्मरान हो, कुछ भी हो, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम तमाम के तमाम अल्लाह सुभान व तआला के दरबार के फकीर। जब तक अल्लाह सुभान व तआला हमें कुछ नहीं देते हम जी नहीं सकते। ये सांसें जो हम ले रहे हैं ये सांसें हमारी नहीं है, जिस्म का कोई अज्व हमारा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि जिस दौलत को देखकर हम फख्र में, गुरूर में, तकब्बुर में मुब्तला है, ये दौलत ये हमारी नहीं है। अल्लाह सुभान व तआला ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमने मांगा है, वो भी दिया है जो हमने नहीं मांगा है। कितनी नेमतें हम पर हैं अल्लाह सुभान व तआला। वइन तअद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, हम उसका शुमार कर ही नहीं सकते। नाचे हर हमेशा हमारे दिल अल्लाह सुभान व तआला की नेमतों के तय शुक्र के जज्बे से भरे होने चाहिए, और हमारी जुबान से जो दुआ निकलती है वो दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, दिल के गहराइयों से निकलनी चाहिए, और दुआ ऐसी होनी चाहिए जिसके ताल्लुक से शायर ने कहा, जो ना अर्श को हिला दे वो सदा सदा नहीं है, जो बदल ना दे नसीबा वो दुआ दुआ नहीं। तो हमें चाहिए अल्लाह सुभान व तआला से जब हम कोई भी चीज मांगे तो दिल की गहराइयों से मांगे, और अल्लाह सुभान व तआला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, या इबादी ऐ मेरे बंदो तुमसे पहली जो उम्मतें गुजर चुकी हैं वो सब के सब, अब जो लोग हैं वो सब के सब, कयामत तक जितने लोग आएंगे वो सब के सब, सारे मिलकर एक कमीना कसरत इंसान के मानिन हो जाए तो अल्लाह की बादशाहत में रत्ती बराबर कमी वाकई नहीं होगी, और सारे के सारे मिलकर एक मुत्तकी परहेजगार इंसान की मानिन हो जाए तो भी अल्लाह सुभान व तआला की बादशाहत में रत्ती बराबर बढ़ोतरी नहीं होगी। वह हमीद है, वो गनी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, हम उसके दर के फकीर हैं। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम्हारे पुत्र असलाफ जो लोग अब हैं, कयामत तक जो लोग आएंगे, इंसान जिन्नात सब मिला, इंसान
जिन्ना सब मिलाकर एक मैदान में आ जाए और तुम्हें का हर एक अपनी सारी उम्मीदों को मेरे सामने रखते, सारी तमन्नाओं को, सारी मुरादों को मेरे सामने रखते और सारे लोगों की मुरादें मैं पूरी कर दूं, तो मेरे जो खजाने हैं उन खजानों में उतनी कभी बातें नहीं होती जितनी समंदर में सुई डुबा कर निकालने के बाद। अल्लाह सुभान तआला के खजाने बेशुमार हैं। यकीनन हमें मांगने का ढंग आ जाना चाहिए, मांगने का तरीका सलीका हमें आ जाना चाहिए। अल्लाह सुभान तआला को देने के लिए तैयार हर बात अल्लाह सुभान तआला पुकार ही रहे हैं। कौन है जो मुझसे मांगने वाला है? गुनाह से मगफिरत मांगता है तो मगफिरत देने के लिए मैं तैयार हूं, बख्शने के लिए मैं तैयार हूं। मुसीबत ज्यादा, मुसीबत से आजादी चाहता है, आजादी देने के लिए मैं तैयार हूं। है कोई जो मांगने वाला? हर रात अल्लाह सुभान व तआला ये सदा हमें दे ही रहे। चुनांचे महाजर समीन इस हदीस कुदसी को जहन में रखते हुए एक शायर ने अरबी में बहुत ही अच्छे अल्फाज कहे हैं, अल्लाह यग़ज़ब इन तरक्त सवालकुम व बनी आदम हीन इसअलहु। अल्लाह सुभान व तआला नाराज हो जाते हैं कब? जब हम अल्लाह सुभान व तआला से नहीं मांगते। जब अल्लाह सुभान व तआला से हम नहीं मांगते तो अल्लाह सुभान व तआला नाराज होते हैं। और आदम की औलाद का ये हाल है कि कोई चीज मांग लो तो नाराज, कोई चीज मांग लो तो नाराज हो जाता है। चुनांचे रब्बे करीम अल्लाह सुभान व तआला से मांगने का वो सलीका अल्लाह सुभान व तआला हमें सिखा दे और आदाब के साथ अल्लाह सुभान व तआला से मांगने वाले हम बन जाए। माज़र सामईन दुआ हमारी कबूल हो यही हमारी दुआ होती है, लेकिन मुहासबा में हमें करना है कि अगर हमारी दुआ कबूल होना है तो क्या हम फराइज के बराबर बजा ला रहे हैं। फराइज का मतलब पांचों वक्त की नमाज भी है, ज़कात भी है, रोजे भी है, हज भी है, उसके साथ माली मामलात भी है, विरासत के मसाइल भी हैं, हुकूक के मसाइल भी हैं, क्या इन सारी चीजों को हम बजा ला रहे हैं? अल्लाह के हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह हम बजा ला रहे हैं, क्या बंदों के हुकूक भी सही तरीके से हम बजा ला रहे हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा जिसके पास दीनार नहीं है दिरहम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मुफलिस वो नहीं है, मुफलिस वो है जो तिहामा के पहाड़ जितने बड़े हैं उतने सारे ढेर सारे नेक आमाल के साथ आए। तिहामा के पहाड़ मुसलसल पहाड़ों का सिलसिला है, इतने सारे ढेर सारे नेक आमाल के साथ, लेकिन किसी को गाली दिया हो, किसी का माल नाम उसने हड़पा होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाली होगी, तो इन सारे जो मजालिम हैं इसके बदले ये नेकियां बांट दी जाएंगी और उसके बावजूद भी उसके जो मजलूम है वो बाकी रहेंगे, उन सारे लोगों के गुनाह ऊपर डालकर जहन्नम नसीब कर। बताने का मकसद क्या है? हमारी दुआएं कबूल हो या हमारी दुआ है तो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि हम अल्लाह के फराइज को बजा नहीं ला रहे हैं और जो बंदों के हुकूक है उन हुकूक को हम सही तरीके से बजा नहीं रहे, पड़ोसी का हुकूक हमसे पूरा नहीं हो पाता, माँ बाप के साथ हमारा मामला सही नहीं है। माज़र सामईन याद रखें, दुआ सिर्फ आप जो करते हैं वही कबूल नहीं होती, दुआ वो भी कबूल होती है जो हमारा भाई हमारे लिए करता है, बल्कि हमारा भाई जो हमारे लिए करता है उस पर फरिश्ते आमीन करते हैं। इसलिए सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन जब कभी उनको दुआ करना होता तो एक सहाबी दूसरे के लिए दुआ करते, दूसरे सहाबी उनके लिए दुआ करते, ये उनकी दुआ पर आमीन करके वो उनकी दुआ पर आमीन करते और इनकी दुआ पर फरिश्ते आमीन करते, बस बन जाते। चुनांचे खासकर आज के इस जमाने में माज़र सामईन
माँ बाप की दुआएं लेना चाहिए। यकीन जानिए हमें बढ़ाने के लिए, हमें एक मकाम को पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियां उन लोगों ने दी, कितनी कुर्बानियां दी। थोड़ी देर के लिए आप सोच, टोकरी में बिठाकर वालिदा को सर पर रखकर तवाफ करा रहे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुजर होता है तो पूछते हैं कि मैं मेरी मां को टोकरी में बिठाकर बिल्कुल एक बच्चे की तरह तवाफ कर रहा हूं और खिदमत उनके इसी में कर रहा हूं, क्या मैंने उनका एहसान चुका दिया, उनका बदला चुका दिया। तो उन्होंने कहा उस वक्त बलो विजा और अति वाकिदा, तुझे जन्म देते वक्त सांस लेने की, एक सांस लेने की जो तकलीफ उसने बता की है उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो माज़ा सामी, माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप की खिदमत ना करें, माँ बाप का ख्याल ना करें, और उसके बाद ये चाहें कि हमारे औलाद दे, उसके बाद ये चाहें हमारे रिश्ते में बरकत हो, उसके बाद ये चाहें हमारी दुआएं कबूल हो। कैसे कबूल हो, रिश्तेदारी को हम तोड़ रहे हैं और रिश्तेदारी अल्लाह सुभान व तआला से दुआ कर रही है, रिश्तेदारी अल्लाह से दुआ कर रही है। क्या दुआ करे, अल्लाह जो मुझे जोड़े उसे जोड़, जो मुझे तोड़े उसे तोड़। इसकी सुनेंगे अल्लाह, मेरी सुनेंगे, सिला रखनी की सुनेंगे, किसकी सुनेंगे। अल्लाह ने वादा कर दिया कि जो मुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, जो मुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ कर। वालिदैन को तकलीफ देकर, वालिदैन की खिदमत ना करते हुए, उनका ख्याल ना करते हुए, बीवी बच्चों के नशे में उनको घर से बेघर करते हुए हरगिज हम खुश नहीं रह सकते। आज ये हाल है हमारे वालिदैन के साथ हमारा, तो सोचिए कल हमारे बच्चे जो ये सारे चीजें देखकर पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये बच्चे जो जट जनरेशन है, ये हमारे साथ क्या मामला करेगा। जब जैसे चुनाचे माजर समय शायद ने कही, वो कहा अभी जिंदा है मां मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है मां मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरे घर से जब मैं घर से जब निकलता हूं वह भी साथ साथ। और याद रखिए वालिदैन का दिल हमेशा हमारे लिए तड़पता है, हो सकता है किसी बेटे की तरफ तरह ज्यादा माइल बता रहा, कोई जाहिल कोई आलिम की बात नहीं, मामले के मामले में सब बहा, आलिमों का भी यही रोना है और जाहिलों का भी यही रोना है। वालिदैन के साथ इसने सुलूक नहीं कर रहे, वालो नसीहत सिर्फ लोगों के लिए और खुद को भुला बैठे। माजर सामीन वालिद फोन कर रहे हैं, मां बीमार है, ऑपरेशन है, मां बीमार है, जरूरत है, बता रहे हैं। कुछ ऐसे परजन भी देखने को मिलते हैं, वालिद ने फोन किया बता रहे हैं कि मां बीमार है, मां को ऑपरेशन होने वाला है। अरे भाई फिर क्यों पैसे नहीं भेजे, पैसा नहीं मांगू। अब क्या बाप भीख मांगेगा बेटे से, कितनी तमीज नहीं है। बेटे का जो मेरा बेटा होता है, मेरी बेटी होती है, इशारे से मैं समझ जाता हूं चॉकलेट चाहती है, आइसक्रीम चाहती है, कटवर चाहती है, कार चाहती है, क्या चाहती है सोना चाहती, और फौरन फ्लिपकार्ट के जरिए इसके जरिए उसके जरिए घर में चीज पहुंच जाती है, लेकिन वालिदैन की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। इतने दिन हो गए कमाते हुए, क्या किया तुमने, आई इनका कपड़ा बना दिया, इनका कपड़ा बना दिया, ये वालिदैन के साथ दूसरे सुबह है, ये वालिदैन की खिदमत है। माजर सामने जो गल्फ में रह रहे हैं उनके नाखून, तो वहां भी वालिदैन के साथ सही मामला नहीं हो रहा है, अलग बात है, लेकिन यहां आप नियमत में माहौल अलहमदुल्ला दीनी माहौल है। चुनाचे हमें चाहिए कि वालिदैन के साथ हम उसने सुलूक करेंगे तो
एक अच्छी बात भी आपको बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि वालिदैन की जो दुआ होती है वो रद्द नहीं की जाती, चाहे वालिद की हो चाहे वालिदा की। चुनांचे शायर कायद ने कहा, जब भी किश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जिंदगी की किश्ती होता है सब सबके साथ होता है, फाइनेंशियली क्राइसिस, बिजनेस ठप हो गया, कुछ भी हो सकता है, बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, मर सकते, कोई गारंटी। अभी अनवर साहब बता रहे थे कि दिल्ली से रिटर्न गांव जा रहे थे, बाइक में एक्सीडेंट हुआ और वालिदा लड़का दोनों जन थे, कोई गारंटी है जिंदगी, बात समझ में आ जाती। तो जब भी किश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ना माता समीन वालिदैन हमेशा हमारे लिए तड़पते होते हैं, तड़पते रहते हैं, हमें चाहिए कि ये तड़प वालिदैन के लिए हमारे अंदर भी हो, और जितनी सहूलियत हम अपने बाल बच्चों के लिए देते हैं उससे बेहतरीन सहूलियत हमारे वालिदैन को हम देने की कोशिश करें। अल्लाह सुभान व तआला इंशाअल्लाह उनकी जो दुआएं हमारे हक में होंगी वो अल्लाह सुभान व तआला कबूल करेंगे। और अगर वालिदैन हमारे साथ जुल्म का मामला भी करते हैं, हमें घर से निकाल भी देते हैं और जायदाद से बेदखल भी कर देते हैं, तब भी हमें हक नहीं बनता कि हम वालिदैन के साथ बुरा सलूक करें। व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुत्बिहुमा व सारिहुम फिद दुनिया मा अल्लाह फरमा रहे हैं। अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें जबरदस्ती करते हैं कि वो जबरदस्ती ये है कि मेरे साथ किसी को शरीक कह रहा हो, शिर्क कर रहे, जबरदस्ती कर रहे, जुल्म कर रहे, बल्कि जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे, तो अल्लाह फरमाते हैं हजार हो जाए इस बात की उनकी बात ना हो, फला तो क्या होगा, लेकिन वो जैसे भी हो कुफर पर ही क्यों ना हो, दुनिया मारूंगा जब तक वो जिंदा रहे या तुम जिंदा रहो उनके साथ उसने मामला का। ये किसका हुक्म है? रब्बे ज़ुल्जलाल का हुक्म है, तो हमारी दुआओं का सुनने वाला है। अगर हम हुक्म नहीं माने और ये हम उम्मीद लगाए बैठे रहे कि दुआ कबूल हो, हमारी यही दुआ है, तो क्या हमारी दुआएं कबूल होंगी? नहीं होंगी। माता सामीन चुनाचे इस नुक्ते की तरफ मैंने ज्यादा तवज्जो इसलिए दिलाई कि समाज जो कि हिंदुस्तान जाने के बाद जो हालात मैंने देखे हैं, तो वहां सबसे ज्यादा मजलूम वालिदैन हैं जो जिंदगी सारी बच्चों के लिए कुर्बान करते हैं और उनकी कुर्बानियों को बच्चे कोई भी अहमियत नहीं देते। अब माज़र समय कुछ चीजों को आप लोगों के हवाले करते हुए अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुभान व तआला को सबसे पसंदीदा चीज क्या है? कि बंदा अल्लाह से सवाल करे। इससे पसंदीदा चीज अल्लाह को कोई और है ही नहीं। चुनांचे कभी हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए अल्लाह से मांगते हुए। कोई भी चीज हमें जरूरत है अल्लाह सुभान व तआला से हमें मांगना चाहिए, और मांगते वक्त कुछ चीजों का जो हमें लिहाज करना चाहिए वो ये कि दिल की गहराइयों से हम अल्लाह सुभान व तआला से मांगे। इसलिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتے، غافل دل انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ عمر بن عبدالعزیز ایک بار دیکھے مسجد میں ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اس وقت ایسے فرش بچ نہیں ہوتے تھے، اور ایک ہاتھ ایسا پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کنکریاں جو ہے کر رہا ہے ادھر ادھر، بس من میں گئی۔ उन्होंने कहा कि भाई तुम अल्लाह से मांग रहे हो, कोई नॉर्मल है हाकिम के सामने ऐसे हरकत तुम करोगे, ऑफिसर के सामने ऐसे हरकत करोगे कि एक तरफ उससे बात करो दूसरी तरफ दूसरी चीज खेल रहे करोगे तुम? जब अल्लाह से मांग रहे हो दिल लगाकर मांगो, यह हरकत छोड़ो। अब जमाना क्या है? अल्लाह से मांग रहे हो तुम वैसे अल्लाह से मांग रहे हो तो कब्बे सीधा करना छोड़ो, मुख्तदी नहीं किया। अइम्मा को कई जगह देखने को मिलता है कि सबके लिए वो दुआ कर नमाज के बाद इस्तेमाई दुआ कर रहे हैं, एक हाथ इधर है दूसरे हाथ से वो इधर खुदा रहे उधर खुदा इधर देख रहे हैं उधर देखने को कौन सा अदब है अल्लाह सुभान व तआला से मांगने का?
ना चमासा सामाईन, अगर हमारी दुआ कबूल होना ये हमारी ख्वाहिश है तो सबसे पहले सही का आना चाहिए अल्लाह सुभान व तआला से मांगने का, चुनाचे ऐसी रुचि हरकतें ना करें। और उसके बाद मोहतरम सामाईन कुछ औकात हैं जिन औकात में अल्लाह सुभान व तआला दुआ कबूल करते हैं, तो उन औकात में अगर हम दुआ करेंगे तो ज्यादा उम्मीद है कि अल्लाह सुभान व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाए, जिसमें रात का आखिरी हिस्सा है और अजान के बाद जो हम दुआ पढ़ते हैं दरूद दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए भी तुम दुआ करो और उसके बाद मांगो अल्लाह सुभान व तआला से, अल्लाह सुभान व तआला ने देंगे। और इसी तरीके से अजान और इकामत के दरमियान जो दुआ हम करते हैं वो दुआ भी अल्लाह सुभान व तआला कबूल करते हैं। और सलाम करने से पहले तशहुद में जब बैठते हैं तो दरूद पढ़ने के बाद दुआ पढ़ते हैं अल्लाह हमारी ज़लम नफ्सी या कोई भी दूसरी दुआ करते हैं, यहाँ जो भी दुआ हम करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह सुभान व तआला वहाँ उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। और इसी तरीके से दुआ हमारी कबूल हो ये हमारी अगर तमन्ना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्रमु मा यकूनु लिअब्दिन मिन रब्बिह, कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब कब होता है, सजदे की हालत में होता है। तो सजदे की हालत में ये अपने आप को जलील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह सुभान व तआला के सामने, अपने आप को हम बिल्कुल अल्लाह के सामने डाल दें कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं बनेगा अगर तेरा करम ना। तो अगर सजदे में हम कर दुआ करें तो उसमें अल्लाह सुभान व तआला वो दुआ कबूल करेंगे। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअक्थिरु मिन दुआ, के सजदे में ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। और इसी तरीके से असर के बाद जो आखिरी घड़ी है उस वक्त भी दुआ अल्लाह सुभान व तआला कबूल करते हैं। और इसी तरीके से माजा सामईन जुमा के दिन मिंबर पर जब इमाम चढ़ते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह सुभान व तआला दुआ कबूल करते हैं। ये कुछ औकात हैं जिनका एहतमाम हम करेंगे फराइज को बजा लाते हुए हुकूक को बजा लाते हुए तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होगी। आखिर में कुछ आदाब जो बिल्कुल चार पांच है बता कि मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली जो चीज है वो ये कि हम अल्लाह सुभान व तआला से जब मांग रहे हों तो मांगने की कैफियत हो, ऐसा नहीं कि तू चाहे तो दे दे नहीं चाहे तो मत दे, ऐसा नहीं। इन शिता इसकी ममानियत है नहीं, मांगना है तो पूरे अजम के साथ मांगना है अल्लाह मुझे चाहिए ये चीज, जैसा बच्चा कोई भी चीज तो मांगता है तो यहां तक वो जब तक मनवा नहीं लेता रोता है कि नीचे गिरता है बिलबिलाता है हाथ पैर मारता है हर कुछ करके वालिदैन को राजी कर लेता है। हमें अल्लाह सुभानहु व तआला के हुजूर ऐसे ही होना चाहिए। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसमें आपने फरमाया अगर हो सके दुआ करते वक्त रोने की कोशिश करो, आंसू बहे दिल नरम होगा तो आंखों की सरजमीन से क्या होंगे बारिश के खतरे होंगे। बस सुनना है चुनांचे रोने की कोशिश करनी चाहिए, अगर रोना नहीं आ रहा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतावाद को यानी रोने की शक्ल रोने की शक्ल बना होना चाहिए इसका इमाम में होना चाहिए। दूसरा जो अदब है क़िबले की तरफ मुंह करके हमें दुआ मांगनी चाहिए कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करनी होती तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो वुजू कर लेते, दूसरा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तरफ पलट कर जो है दुआ करते थे। और तीसरी जो चीज है वो ये कि दुआ में चूंकि अल्लाह सुभान व तआला से हम मांगते हैं चुनाचे उसमें अल्लाह का नाम आता है तो बावजू होकर ही दुआ करनी चाहिए। नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा वजू फरमा रहे थे, एक शख्स आया तो उन्होंने सलाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। वजू पूरा करने के बाद नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं वजू कर रहा था और बगैर वजू के अल्लाह का जिक्र मैं करूँ ये मुझे पसंद नहीं था इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, आप दे रहा हूँ। बात समझ में आई, वजू के साथ करें। और आखिरी जो बात है वो ये कि दुआ करते वक्त हम हाथों को उठाए, हर आदमी अपने हिसाब से जो है हाथ उठाए ये अच्छी आदत नहीं है, वही तरीका मुनासिब है जो भीख मांगने का होता है। कोई ऐसे दुआ कर रहा है कुछ अजीब अजीब तरीके से लोग दुआ करते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हान तो लेने के लिए तैयार होना चाहिए ना, लेने के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसे हम फैलाकर दुआ मांग रहे हैं तो क्या कैसे लोगे, अदब होना चाहिए। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ जोड़कर दुआ करते, हाथ जोड़कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह सुभान व तआला
करीम है, अल्लाह सुभान व तआला बाहया है। बंदा जब किसी भी चीज को मांगने में हाथ उठाता है, दुआ करते हुए हाथ उठाता है, उस हाथ को खाली लौटा दे, ये अल्लाह सुभान व तआला को पसंद। चुनांचे माज़ा सामीन, ये कुछ बातें थी जो आपके हवाले की गई है, जिसमें जो भी अच्छी बात हमें लगी है उसको अपनाने, उस पर अमल करने की अल्लाह सुभान व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए, और जो भी सच्ची और अच्छी बात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है, और जो भी गलत है और मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है, जिसे मैं अल्लाह सुभान व तआला के पनाह में आता हूँ। अल्लाह सुभान व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे औलाद की हिफाजत फरमाए, हमारे माल में, आल में, औलाद में, सेहत में, हर चीज में अल्लाह सुभान व तआला बरकत अता फरमाए, और जब जहाँ कहीं हम रहे अल्लाह सुभान व तआला हर तरीके से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुभान व तआला इस दुनिया में भी हमें कामयाब करे, और कल आखिरत में भी अल्लाह सुभान व तआला हमें सरफरोशी जो है अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।